वृंदावन वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने यहां अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहां के भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधिवन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं, तो एक बार मथुरा वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ मौजूद है निधिवन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी है। इस लेख में आज हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। निधिवन की मान्यता है कि यहां आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम को होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं, जहां तुलसी का हर पौधा जोड़ों में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के अंदर रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि हर रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और जातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है वो अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानी बताते हैं। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।